और अब बात बिहार की। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिलने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कल पहली बार पटना पहुंचे। उनकी एंट्री से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन आरजेडी ने साफ किया कि नीतीश के साथ वो नहीं जाएंगे। बड़े अरसे बाद लालू यादव पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लालू दिल्ली से पटना पहुंचे और उनकी एंट्री से आरजेडी में एक नया जोश आ गया। सबकी नजरें इस पर हैं कि नीतीश और आरजेडी के बीच अंदर खाने जो चल रहा है उस पर आगे क्या होगा। उनका ये जो बिहार दौरा है इससे कई तरह की सियासी अटकलबाजियां भी लग रही हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार है, लेकिन जातीय जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, यूनिफॉर्म, सिविल कोड, शराबबंदी पर बीजेपी जदयू में टकरार दिख रहा है। तेजस्वी और नीतीश काफी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बीच की दूरियां भी मिटती दिख रही हैं, और इसी बीच बिहार में लालू यादव की भी एंट्री हुई है। हालांकि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में नीतीश की पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। सिरे से खारिज कर रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। असंभव, नामुमकिन, किसी तरह से दूर दूर तक आप इसके बारे में कोई भी ख्याली पलाव नहीं पका सकते। जहाँ तक बीजेपी और जदयू की बात है तो एक ठग है, एक लालची है। लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू एक सुर में बोल रहे हैं। नीतीश सरकार ने इस सिलसिले में 1 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सवाल नजदीकियों का नहीं, फिर मैं खारिज करता हूँ, ये सवाल नजदीकियों का नहीं है, ये सवाल है जातीयधारी जनगणना को मूर्त रूप देने का। क्योंकि बिहार में जातीयधारी जनगणना होगी चाहे भाजपा विरोध करे या समर्थन। वैसे सर्वदलीय बैठक से पहले लालू का पटना पहुँचना भी कई संकेत देता है। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।